हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ड्रीम डोज, योर वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल। सो लेट्स कंटिन्यू। कल हम लोग ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एडुटेरिया के। ठीक है, देखो एडुटेरिया क्या है कि सब जगह अवेलेबल नहीं है, डेट्स वाई आई एम लाइक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको यूट्यूब में। ठीक है, सो मेक्स यू जस्ट गो थ्रू इट ईच एंड एवरी, लाइक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 700 प्लस मैं वीडियो अपलोड करूँगा। स्पीडी का होपफुली आपने कंप्लीट कर लिया होगा बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पीडी हर जगह मिल जाता है, उसमें कोई इशू है नहीं। तो एडिटोरिया का मैं 700 प्लस करवा देता हूँ, अगर टाइम बचा तो और आपका रिस्पॉन्स जैसा रहा तो डेफिनेटली मैं स्पीडी का भी करवा दूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक श्योर जितना मैंने यहाँ करवाया उसको करना है। प्लस मैंने आपको टॉपिक वाइज पूरा अवॉर्ड मैंने खत्म कर दिया, जो जो वीडियोज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू इट। प्लस सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट दी लाइक बटन। चलो स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, जो मुझसे अनअकैडमी में मेरे कोर्सेज फॉलो करें उनको तो मैंने खैर बता ही दिया सब चीज़। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दिस वन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, लाइक पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब। और पेशेंसली, ठीक है, पेशेंसली बैठो। एक बार जब माइंड बना लेते हो तो मेक श्योर स्टिक टू डेट प्लान। ठीक है, कि हाँ मुझे 100 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मेक श्योर पेशेंसली होके पानी उनी पी के बैठो या पानी लेके बैठो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब। किसने जीता है गोल्ड मेडल? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था मानसी जोशी। ठीक है, आईएमएफ का नया प्रमुख कौन है? तो आपको पता होना चाहिए आईएमएफ का नया प्रमुख कौन है, तो ये है आपका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, जून 2019, ठीक है, जून 2019 का यहाँ बात किया जा रहा है कि जून 2019 में GOAM, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ये किसने, ठीक है, किसने अपने मतलब जो कंट्री में लागू किया है, लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो भी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है ना, आपको पता होगा बहुत सारे इंडिया में भी लॉन्ड्रिंग के इशू होते हैं, तो ये कौन से कंट्री ने लागू किया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? याद रखिएगा UAE, ठीक है, UAE ने, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20, मतलब 20% अभी आरक्षण दिया गया है मिलिट्री के, जो भी मिलिट्री के मतलब पुलिस जो भी होता है मिलिट्री पुलिस, उसमें 20% आप महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा सीट। ठीक है, 2005 भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास ओसी इंडेक्स, ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, 106 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन, ये किसने लिखा है? तो आपको जीडी बक्से, ये मतलब पहले ये आर्मी में थे, मतलब कर्नल के पोस्ट पे, आई थिंक इंडियन आर्मी से बिलोंग करते, आपने काफ़ी डिबेट में इनको देखा होगा, डिफरेंट जो डिबेट होते हैं नेशनल चैनल्स पे उसमें आपने देखा होगा। तो जीडी बक्से के द्वारा लिखा गया दी सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, भारत किस देश के साथ तुर्गा पन बिजली परियोजना, देज लाइक किसका बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये मतलब बिजली परियोजना के बीच में, तुर्गा पन बिजली परियोजना, तो आपको याद रखना है जापान, जापान का कैपिटल टोक्यो, वहाँ का करेंसी येन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाम से, ठीक है, किस नाम से देश का 18th रेलवे जोन बनाया गया? आपको पता है काफ़ी मतलब चर्चित रहा था, तो ये साउथ कोस्ट रेलवे, दैट इज दक्षिण तट रेलवे, जिसका कि जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका विशाखापट्टनम। किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये है आपका बिहार। ये रिवीजन क्लासेस है, किसी में भी कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? तो वो चली लखनऊ एंड दिल्ली। ठीक है, इसका जो झंडा मतलब जो स्टार झंडा लहराते हैं ना आगे, उसके बाद गाड़ी चलता है, तो किसने किया था? तो योगी जी ने किया था। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा ट्रेन 80 जिसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया, उस वो कहाँ के चला था? तो वो चला था वाराणसी से दिल्ली में पहला। ठीक है, और ये कहाँ से चला है? तो लखनऊ से दिल्ली के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्लस आपके बिहार दरोगा में, तो 150 था। ठीक है, और यही अगर मैं पूछ लूँ, ठीक है, अगर आप लोगों ने जीके तो पढ़ ही रहोगे, चलो नीचे कमेंट करना। ठीक है, अगर नहीं कमेंट करोगे तो अगर मुझे याद आए तो नेक्स्ट में मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, आप बताओ कि जो तीन क्वेश्चन महात्मा गांधी, इसमें डायरेक्टली आपको पूछता हूँ, या चलो मैं बता ही देता हूँ। पहला, महात्मा गांधी मतलब जो का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, ये याद रखना। वो मतलब जो साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो आपको याद रखना कब गए थे, 1869 के बस 24 ईयर्स के बाद, जस्ट प्लस कर देना उसमें
24 ईयर्स, तो 1893 में, ठीक है। और वो वापस कब आए थे भारत, तो 1915 में। ये तीन आप लोग याद करके रखना, रिमाइंड करके इसको लिख लेना, ठीक है। किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसने ओसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है, तो ये है बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये है आपके 112 क्वेश्चन, ये है आपके एलिसन फेलिक्स, ठीक है। तो 112 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलिसन फेलिक्स। इन्होंने 12 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड था उसेन बोल्ट का। उसेन बोल्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जमाइका से, ठीक है। और ये एलिसन फेलिक्स जो इस ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक सीज ओमेन, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये है आपका यूएसए से, ठीक है। तो ये है एलिसन फेलिक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बिल्ला एंड मेलिंगा, ठीक है, मेलिंड गेट्स फाउंडेशन, ये एक्चुअली जो बिल गेट्स है ना और उनका वाइफ जो उसके उनके ऊपर फाउंडेशन है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो गोलकीपर अवार्ड जो दिया गया, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो किनको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्यों दिया गया, तो ओपन डेफिकेशन, जो ओपन डेफिकेशन पे जो मतलब खुला में जो स्वच्छ मुक्त कराने के लिए जो काम किया गया है हमारे देश में, उसके लिए बेसिकली दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कौन सा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिन गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने मुख्यालय में कितने, ये एक्चुअली क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी थे बुक में, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। बट दिस क्वेश्चन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट वहाँ आंसर 50 दिया है एग्जैक्टली। ये एक यूएनओ में जाके, वहाँ यूएनओ का जो है उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने के, बट यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। किस खिलाड़ी को हाल ही में फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, लियोनेल मेसी को ये दिया गया है, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं, लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी कौन से क्लब से खेलते हैं, तो बार्सिलोना से खेलते हैं। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किसको, मतलब भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बने, तो बन गए अमित पंघाल जी, ठीक है। हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, पूरा का पूरा अवार्ड, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा अवार्ड मैंने एक्स्ट्रा एक पूरा वीडियो बना के रखा है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करो, ढूंढ लो, ठीक है, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे में प्लेलिस्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, पर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा, पर प्लीज़ अभी जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। हाल ही में किस फिल्म को आईफा मिला है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजी को मिला है, ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड। उसके बाद मूव करते हैं, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस युद्ध विमान का उड़ान भरी, मतलब किसमें उन्होंने युद्ध विमान में उड़ान भरी थी, ये है आपका तेजस, ठीक है। 119 क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में जीता है, ठीक है, तो ये है आपका भारत, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को यमन में संयुक्त, डेफिनेटली एम्बेसडर, डिफरेंट जो एम्बेसडर डिफरेंट कंट्री में अपॉइंट में, वहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, तो प्लीज़ स्पीडी पूरा कर लेना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीडी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, ठीक है। मंथली वाइज भी कर लेना, 700 क्वेश्चन जो पीछे दिया है वो भी कर लेना। अब बोलेगे सर कैसे कर लेना, जिन बहुत लोगों ने ऐसे कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, बट अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मेक श्योर जस्ट गो थ्रू इट, ओके। चलो, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को यमन में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये है आपके अभिजीत गोवा जी को किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, माय सीडीसीएस हार्ट, 121 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया, माय सीडीसीएस हार्ट, तो ये अरुंधति रॉय, ठीक है। 122 पे करते हैं, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, 2026 का पूछ रहा है, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ ये चीज, यहाँ अगर 2022 पूछता तो ये हो जाता आपका चाइना, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा 2026, तो ये होगा आपका इटली में, ठीक है, तो याद रखिएगा। मूव करते हैं 123 क्वेश्चन नंबर पे, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये है आपका अमेरिका, याद रखिएगा। 124 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाल ही में किस राज्य का फायदे गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बन गया है, तो ये आपका मणिपुर, तो ये फायंग गांव कहाँ है, तो आपका ये मणिपुर में, ठीक है। एक्चुअली ये हिंदी में है, ठीक है, पर मैं इंग्लिश में मीडियम से हूँ, सो दैट्स वाई आई एम लाइक बिट प्रॉब्लम होता है, बट देर इज नो इशू, आपको करेंट अफेयर्स पढ़ने से मतलब है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये है आपका हवाई में, ठीक है। हवाई आपको पता है, यहाँ डिफेंट ज्वालामुखी भी जो काफ़ी एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हवाई। रक्षा
प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये 2020 में किया जाएगा, याद रखिएगा, लखनऊ में होगा, ठीक है। किस राज्य का विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किए, तो ये है आपका राजस्थानी। काफ़ी मतलब 2019 में मतलब एक चर्चित बर्निंग टॉपिक रहा था, ठीक है, मॉब लिंचिंग, तो इसलिए ने मतलब एक नया विधेयक पास किया गया राजस्थान कैबिनेट के द्वारा, ताकि इस पर रोकथाम लगाया जा सके, ठीक है। तो 127 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 128 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, ठीक है, तो पंडित जसराज। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको प्रॉब्लम सबसे पहले तो यही होगा कि क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह डेट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द एस्टेरॉइड्स, ठीक है, तो ये है एस्टेरॉइड को ही क्षुद्र ग्रह बोलता है, ठीक है। तो यह पंडित जसराज, मैं जब आपके लिए पढ़ा तो मैं क्षुद्र ग्रह के बारे में ढूंढ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली अगर इंग्लिश वाले के लिए ये क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो भारत में तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो ये आपका बांग्लादेश, ठीक है, आपको याद रखना है। और बांग्लादेश के साथ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है संप्रीति, तो वो भी याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट 2019 नाम से भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए नोमैडिक एलिफेंट क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज, किसके साथ हुआ है, तो मंगोलिया के साथ ये हुआ है, ठीक है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको याद रखना है जयपुर, जोधपुर, ये सब टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ जयपुर दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। 132 पे चलते हैं। भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीद रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका किससे खरीद रहा है, तो ये खरीद रहा है फ्रांस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो देखो 18 और 19 का दोनों का साथ में दिया गया, इसका मैंने ट्रिक भी आपको बनाया, प्लीज़ आप ट्रिक वाले कोर्स में देख लेना। तो 2019 को, ठीक है, तो 2019 के लिए दिया गया पीटर हेनवेक को, और वही 2018 के लिए दिया गया ओल्गा टोकारजुक को, ये दोनों 2019 में ही दिया गया, तो प्लीज़ याद रखिएगा 2019 में पीटर हेनवेक को और 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक को, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 134 पे। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहला स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है आपका कर्नाटका, ठीक है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो बीसीसीआई पूछा है, ठीक है, यहाँ आईसीसी नहीं पूछा, तो बीसीसीआई का अभी नया जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके सौरभ गांगुली जी, ठीक है। प्रो कबड्डी 7 का खिताब किसने जीता है, तो ये है आपका बंगाल वॉरियर्स ने जीता है, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्याधीश 47th नंबर के, ठीक है, आपको याद रखना 47th नंबर के कौन बने हैं, तो शरद अरविंद बोबडे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 137 का। 138 का हम लोग बात करते हैं मोटर वाहन कानून, ठीक है, जो मोटर एकल वाहन जो है, अगर आप मतलब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पुलिस पकड़ लेता तो कितना देना पड़ेगा, आपको 5000 देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 139 वर्तमान में भारत में कितने उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का बात करें तो उच्चतम न्यायालय तो क्या हमारा एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। किस देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापना होगी, अब देखो ये 140 का आंसर 140 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको याद रखना ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, देखो तो 140 का क्या हो गया सी, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांति मतलब शांति सितंबर, शांति सितंबर इतने याद रखना, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है। ब्रिक्स 2019 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ब्राजीलिया में हुआ है, ठीक है, मतलब ब्राजील का ये कैपिटल है ब्राजीलिया, तो बी हो जाएगा, ठीक है, ब्रिक्स का। नेक्स्ट करते हैं 143, सगुन पोर्टल, ठीक है, सगुन पोर्टल जो है ये जो किसके द्वारा मतलब कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये आपको याद रखना, ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। सगुन पोर्टल क्या है थोड़ा पता कर लो, बेसिकली एडुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है, अगर पूछा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो प्रकाश जावेदकर, तो वो भी आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 144 पे चलते हम लोग, नई गठित कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, स्मृति ईरानी महिला एवं विकास सही है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषि कल्याण सही है, कृषि एवं कल्याण मंत्री है, ठीक है, रमेश पोखरियाल मानव संसाधन मंत्री सही है, राजकुमार सिंह ये गलत है, खेल मंत्री जो है हमारे राजकुमार सिंह नहीं है, खेल मंत्री जो हमारे किरण रिजू है जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, वहाँ के गवर्नर है बी डी मिश्रा। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित, जैसे सिनेमा का बात आ गया ये याद रखिएगा, मुंबई में किया गया नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत के लोकपाल के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अब यहाँ ध्यान से सुनोगे, एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बन सकता है।
भारत के पहले लोकपाल पीसी चंद्र घोष को बनाया गया, ये सही है। लोकपाल का कार्यक्रम 5 वर्ष या 70 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले कंप्लीट होगा वो तब रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, ये सही है। लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु, अगेन दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, 45 वर्ष रखा गया है। आपका एलिजिबिलिटी एज जो है, ठीक है, वो 45 वर्ष है, ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, मतलब डेफिनेटली ये डी तो गलत होगा, ठीक है। तो लोकपाल के सभी सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति दिलाते, ये गलत है, ठीक है, सब नहीं कर, सबको मतलब मेंबर को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते। मानव विकास सूचकांक 2018 के विषय में, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आखिर कौन मतलब इसको जारी करता है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है, यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है, प्लीज इतना याद रखिएगा। और इसमें 2018 में जो इंडिया का रैंकिंग था 130, सही है, ठीक है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। इस सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, खैर यही मैंने पहले ही बता दिया, नहीं ये विश्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता, ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक की शुरुआत 1990 में हुआ था, तो ये सही है, ठीक है। तो दो चीज़ आप यहाँ से याद रखना, ठीक है, पहला तो यूएनडीपी करता है, 3-4 चीज़ बता दे रहा हूँ, दूसरा आप याद रखिएगा 2018 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग 130 था, बट 2019 में जो है ये है आपका 129, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा सी, सी वाला गलत है, ठीक है। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर, ठीक है, वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, तो ये है आपका भुवनेश्वर, ठीक है। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है दोहा, दोहा कहाँ का कैपिटल है, तो कतर का है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो भी कतर में होगा, ठीक है, तो दोहा में हुआ है 23 संस्करण का एथलेटिक्स, मतलब एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये कहाँ हुआ है आपका, दोहा में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा आपका, तो कतर, ठीक है, दोहा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का रैंकिंग क्या है, ठीक है, तो इसमें जो भारत का रैंकिंग है विश्व प्रति मतलब ये क्या पूछ रहा है आपका, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, ठीक है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में जो रैंकिंग है, ठीक है, देखो मैं ये रैंकिंग वाला क्या करूंगा, मैं आपको ना एक ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक आपका स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सिर्फ रैंकिंग का ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं आपको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है राजो एलिना को, ठीक है, राजो एलिना को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति मतलब न्यू प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया, अब ये अब देखो सुभाष चंद्र बोस समझ के यहाँ कोलकाता अगर ऑप्शन में होता तो कोलकाता भी आप मार दोगे, पर कोलकाता नहीं, इसका सही आंसर जो है नई दिल्ली है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इंग्लैंड ने ये खिताब पहली बार जीता, सही है, ठीक है, 153 हम लोग देख रहे हैं। फाइनल मैच में इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड मतलब आमने सामने था, सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब केन विलियमसन को मिला, सही है। इस श्रृंखला में सर्वाधिक रन इयान मॉर्गन ने बनाए, ये गलत है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रन बनाया था वो रोहित शर्मा ने बनाया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 154 देख लेते हैं, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच में होता है, तो ये होता है आपका सिंगापुर के, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। एक दो और बता देता हूँ मैं, ठीक है, आपको हरिमू शक्ति, अगर आपको हरिमू शक्ति बोले किसके बीच में होता है, तो वो होता है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। वहीं आपका धर्मा गार्जियन किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारत और जापान के बीच में। अगर आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करो तो डेफिनेट आपको तो ईजिली आपका ये निकल जाएगा, मतलब पीटी तो और मेंस भी आप लोग निकाल लोगे अच्छे से पढ़ के, पूरा कोर्सेज मैंने वहाँ बना रखे हैं, तो अगर आप अनअकैडमी भी पढ़ते हो अगर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, वहाँ पूरा का पूरा कोर्स बना के रखा है मैंने वहाँ रॉय सुजीत के नाम से, ठीक है, सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट, बट अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ देर इज़ नो इशू, आप वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप यहाँ से बस करेंट अफेयर्स कर लो अगर आपका जीके पोर्शन हो गया तो। प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार किनको दिया गया, तो ये दिया गया नरेंद्र मोदी को, ठीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नजीर अहमद, ठीक है, अब ये देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये तो खैर आपको पता होगा, सियोल जो पूरा का पूरा मैंने अवार्ड एक स्पेशल वीडियो बनाया, ठीक है, 2-3 वीडियो पूरा 2019 का मैंने कंप्लीट कर पाया, प्लीज़ देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाजिर अहमद वानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अशोक चक्र दिया गया, अशोक चक्र,
पीस टाइम में हाईएस्ट ग्लेटरी अवार्ड माना जाता है। अगर पीस टाइम का कोई हाईएस्ट ग्लेटरी अवार्ड है तो वो कौन सा है, वो अशोक चक्र ही है। ठीक है, तो अशोक चक्र किसको दिया गया है, नजीर अहमद को पोस्टोमसली दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 157 पे चलते हैं। जिंदगी नामा की लेखक कृष्णा सोपती, इंपॉर्टेंट है ये, ओबेचुरी से क्वेश्चन है, मतलब जो मर जाते हैं ना उनके उनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है उनको ओबेचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण सोपती जिनका जो रचना है जिंदगी नामा, तो इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो उनको कौन से ईयर में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखना है 2017। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने को पूछे जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा गलत है, ओम बिरला 17 लोकसभा के अध्यक्ष है, सही है। सामंत कुमार गोयल सीबीआई के नहीं, सीबीआई के गलत है। अब देखो इसको मैंने ट्रिक से, मैंने मेरे दिमाग में कैसे सीबीआई को मैंने बस इतना याद किया था कि ऋषि, कोई ऋषि है उसका ना, क्योंकि सीबीआई में क्या चाहिए, बहुत खोज पड़ताल चाहिए, तो ऋषि ऋषि मतलब ज्ञानी आदमी चाहिए कोई। ठीक है, तो सीबीआई के जो आपके हैं वो है आपके राजीव कुमार, ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, तो सीबीआई के ऋषि कुमार शुक्ला याद रखें, सीबीआई के हेड ऋषि कुमार शुक्ला। और ये सामंत गोयल जो है ना, ये रो के है, रो के आपको पता है रिसर्च एनालिसिस विंग्स जो है। ठीक है, तो ये रो के जो हेड है ये सामंत कुमार गोयल। ठीक है, सीबीआई के कौन है तो आपको याद रखना है ऋषि कुमार शुक्ला। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, सही है। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, निम्न में से कौन अपने खेल, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं अपने खेल के हिसाब से, सबको अर्जुन मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, पूनम यादव क्रिकेट एकदम सही है। ठीक है, अजय ठाकुर कबड्डी एकदम सही है, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग एकदम सही है, प्रमोद कुमार भगत, ठीक है, ये ब्लाइंड क्रिकेट, ये गलत है, क्योंकि प्रमोद कुमार भगत जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है गलत, आप एटलीस्ट फिर से एक बार मेरे साथ बोलो। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है खिलाड़ी और उसके गेम से रिलेटेड। पूनम यादव क्रिकेट से, ठीक है, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, अजय ठाकुर कबड्डी, और प्रमोद कुमार भगत बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस देश के आधिकारिक रूप से जंगलों को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है, वाह थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो किसको प्रदान किया गया है, तो एल सल्वाडोर को किया दिया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। किस 161 किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौता JCPOA के तोड़ दिया है, ये आपका ईरान, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। अब पता होगा ईरान और यूएस में काफ़ी मतलब अनमन चल रहा था। ठीक है, तो JCPOA को किसने तोड़ दिया, तो ईरान ने तोड़ दिया। आप बोलोगे JCPOA क्या है, देखो ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो अब इतना याद रखो, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, ठीक है, ईरान ने मतलब बाहर हो गया, ईरान बाहर हो नहीं गया, मतलब ये छोड़ दिया। ठीक है, ईरान ने, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली मतलब न्यूज़ में था कि इसने एक मिसाइल भी टेस्ट किया था जिसका नाम था बाबर। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया, खसरा मतलब होता है मिसाइल, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि क्या है, तो खसरा मतलब मिजेल होता है। ठीक है, और श्रीलंका WHO ने घोषित किया कि श्रीलंका जो है मुक्त हो गया इससे। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप शक्ति किसने, मतलब कौन से IIT ने इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये आपका IIT मद्रास। ठीक है, हाल ही में 164 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो WEF आपका कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 165 देखते हैं, विश्व के पहले अंडर वाटर रेस्टोरेंट, ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये नॉर्वे में किया गया। ठीक है, नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो है। ठीक है, क्या है कैपिटल, ओस्लो। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है, तो ये है आपका 10। ठीक है, नीला सीतारमन ने इसका चर्चा किया था। ठीक है, आपने सुना होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सूचना में प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब ये प्रेस में। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे। इसके बाद इस सूचकांक में भारत का, ये तो सही, आपको सबको पता होगा 140 है। इसे पेरिस में स्थित रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्थान द्वारा जारी किया था। एग्जैक्टली, एकदम सही है। एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इसको कौन जारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आंसर इसका बी सी दोनों से। नेक्स्ट देते हैं, इस सूची में तुर्कमेनिस्तान का स्थान अंतिम है, ये भी सही है। ठीक है, बट ये जो इस सूची में प्रथम फिनलैंड को नहीं मिला है, ठीक है,
फिनलैंड को नहीं मिला, ये जो मिला है नॉर्वे को मिला है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा गलत। अल लगातीन किसके बीच में होता है, भारत एंड ओमान के बीच में होता है। तो इसमें कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मेक श्योर आप अगर आपने जीके कंप्लीट नहीं किया या ट्रिक से आपको पढ़ना है तो मेक श्योर यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन लाइक अन अकेडमी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम जल्दी क्रैक कर लो तो डेफिनेटली यू गाइस कैन फॉलो मी। आप ऐप यूज़ करते हो तो रॉय सुजीत टाइप मारोगे एंड यू गाइस कैन गो थ्रू इट। आई एम लाइक टॉप एडुकेटेड इन बीपीएससी सेक्शन, यू कैन गो थ्रू इट। सो अल लगा थ्री, भारत एंड ओमान कालेश्वर, ये आप जरूर गूगल में टाइप मार के देखना, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो अभी तेलंगाना सरकार करने जा रही है। कालेश्वरम बहुदेशीय लिफ्ट सिंचाई, ठीक है, इसमें लिफ्ट सिंचाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाला है, ठीक है। अभी तक इन लोगों ने आई थिंक दे हैव स्टार्टेड ऑन आई डोंट नो, बट कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से, तो आपको याद रखना है तेलंगाना, ठीक है। निम्नलिखित जी आई टैग इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो ईरोड हल्दी उड़ीसा नहीं, ये गलत है, ईरोड हल्दी जो है तमिलनाडु को दिया गया, तो डायरेक्टली इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मयूरगुट कहाँ, केरला, याद रखिएगा मयूरगुट केरला। सिल्वा खाचा बिहार, एग्जैक्टली लोकेशन बोला जाए बिहार में तो नालंदा, और पंचमृतम प्रसाद तमिलनाडु, ठीक है, और ये भी ईरोड हल्दी भी तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 171 देख लेते, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा आपका केरला सरकार। विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत उपभोक्ता बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बन जाएगा, तो बाई 2030। एक बार इसके साथ एक चीज़ और याद रखें कि कौन सा ईयर तक हम लोग चाइना को आगे कर देंगे, क्या में खुशी नहीं होना है, ठीक है। पॉपुलेशन में कौन सा ईयर में हम लोग आगे हो जाएंगे, तो बाई 2027, और ये बहुत ही मतलब चिंता का कारण है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारे कंट्री में हो रहा है, ठीक है। 173 का हम लोग बात करते हैं, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। अगर पहला बोला जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ सेकेंड पूछा है, तो सेकेंड जो हो जाएगा ये झारखंड साहिबगंज, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। फीफा 2022 में कहाँ होगा, तो कतर में होगा, ठीक है। 2018 वाला कहाँ हुआ था, तो रसिया में हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो रसिया में, बट इसका 2022 पूछा है, ठीक है, ये कतर होगा, ठीक है, तो दोनों आपको दिमाग में रखना है। हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है जोका अलहार्थी को, ठीक है, और ये इनके कौन से बुक के लिए मिला है, तो सेलेस्टियल बॉडीज, ये ओमान से बिलोंग करती है, ठीक है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अगेन महिला में एक ही अभी नाम चर्चित में है, वो है आपकी स्मृति मंदाना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है, CEO, तो वो है आपके मनु सहनी, और चेयरमैन कौन है, तो शशांक मनोहर, ठीक है। किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृषि बुद्धिमत्ता राजनीति 2031 को मंजूरी प्रदान करी, तो ये है संयुक्त अरब एमिरेट, ठीक है, तो UAE है, ठीक है, तो गलती मत करना, अगेन आई एम टेलिंग यू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बुद्धिमत्ता राजनीति, ठीक है। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार 2019, तो राजीव गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीपा मलिक एंड बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया पता है 65 कैटेगरी में रेसलिंग खेलते, ये टॉप मतलब अपने कैटेगरी में रैंकिंग में है पूरे वर्ल्ड में। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है, ठीक है, तो इन दोनों को दिया जाएगा क्या आपका राजीव गांधी पुरस्कार 2019। आर्थिक समीक्षा 2018 के अनुसार भारत में राजकोषी घाटा कितना प्रतिशत है। अब देखो ये राजकोषी घाटा, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट, ठीक है, अभी खैर समझाने का समय नहीं, जिनको पता होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.4%। फिजिकल जल्दी से बता, फिजिकल डिफिसिट मतलब क्या होता है कि सरकार के पास कितना पैसा है और वो कितना खर्चा कर रहे, इन दोनों के बीच बेसिकली जो डिफरेंस आता है सिंपल वर्ड में वो होता है फिजिकल डिफिसिट, जो है 3.4%, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम मिला, तो ये आपका केरला, सबसे वर्स्ट जो मिला ये मिला यूपी को, ठीक है। भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाला ड्रैगन वृक्ष, ये तो अजीब बात हो गया है, ठीक है, मतलब इसका समझ रहे हो क्या बोल रहा है, कि मतलब कोई ऐसा पौधा मिल गया जो आपका बॉडी से ब्लड लीक कर देगा, आई थिंक इसका मतलब तो यही है, ठीक है। खैर आप डायरेक्टली आंसर याद हो, क्योंकि भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाला ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की खोज हुई है, तो ये है आपका असम, ठीक है, असम कैपिटल दिसपुर। आम बचत 2019-20 में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप पैसा निकालते हो, ठीक है, इन ए ईयर, तो आपको कितना परसेंट का TDS लगेगा, तो 2% का, आपको डायरेक्टली इसका याद रखना है, ठीक है। बजट से श्योर शॉट है दोस्तों, क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आप इतना दिन भर यूट्यूब यूज़ करते हो तो एक वीडियो आप क्या करना,
स्टडी आईक्यू का, ठीक है, मैं चैनल बता देता हूँ स्टडी आईक्यू का क्या करना, अराउंड 40 क्वेश्चन उन्होंने अपलोड किया, प्लीज़ वो जरूर देख के जाना, ठीक है। आज मैंने देखा काफ़ी सही उनका वीडियो, ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं बट आई थिंक उन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। संघाई सहयोग दैट इज SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 19वां जो 19th वाला हुआ था ये क्या हुआ था, बिस्केक, ठीक है। बिस्केक अगर मैं पूछूँ ये कौन सा कंट्री का आपका कैपिटल है, तो ये है आपका बिस्केक जो है आपका, ये है आपका किर्गिस्तान का, ठीक है। जो 19वां जो हुआ, अब 20वां जो होगा ये कहाँ होगा आपका, शिखर सम्मेलन आयोजित रूस में होगा, ठीक है। तो 19 वाला तो कहाँ हुआ आपका, किर्गिस्तान में होगा, डेट इज कैपिटल उसका है बिस्केक। और जो 20 वाला जो होगा ये रूस में होगा, ठीक है। SCO में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है, तो ये भी सही है। भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो ये गलत है, भारत जो है एक्चुअली उसका सदस्य है। इसमें 8 है ना, मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता आपको, जल्दी से याद हो जाएगा। जितने भी थान थान है ना, जैसे कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजिकिस्तान, ठीक है, ये सब है, ठीक है। और 3 जो कंट्री है आपका, चाइना, इंडिया एंड रसिया, क्या चाइना, इंडिया एंड रसिया, ठीक है। तो 5 वो उसमें अफगानिस्तान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजिकिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 हो गए आपके, कजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजिकिस्तान, ठीक है। आप ऐसे गूगल में टाइप मार लेना, ठीक है, ये सब है, बस उसमें अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, और चाइना और इंडिया और रसिया भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला गलत, ठीक है। आप याद रखो जिस तरीके से मैंने ट्रिक से याद रखा, ठीक है। महिला सुरक्षा और मदद कार्य के लिए किस राज्य सरकार ने स्त्री शक्ति महिला पुलिस का गठन किया, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जो लाइफ स्पेन है, मतलब एवरेज लाइफ स्पेन कितना है, तो वह आपका 69, सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो जापान का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है, तो यह आपका अहमदाबाद, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है, तो बस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में सेम है इंडिया का, डेट इज 140 है, ठीक है। निष्ठा, ये भी निष्ठा किससे रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा इसमें टीचर मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें टीचर को और मतलब अपग्रेड करने का मतलब इसमें प्रोग्राम चलाया गया है, किनके द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आंसर है इसका बी। निष्ठा क्या से रिलेटेड, तो एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है। तो 190 पे चलते हैं हम लोग। किस माह को वर्ष 2019 में पोषण माह का घोषित किया गया, तो 16 सितंबर को, ठीक है। निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो अजय कुमार वल्ला गृह सचिव सही है, अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ये सही, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अजय कुमार, ठीक है, ये कैबिनेट सचिव, ये गलत है, ठीक है। मुझे याद है अजय, मैंने क्यों किस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। गिरीश बापटे प्राकलन समिति, डेट इज एस्टिमेट कमिटी, तो ये भी सही है। तो ये है आपका अजय कुमार जो है कैबिनेट सचिव नहीं है, ये राष्ट्र मतलब सुरक्षा सचिव है, ठीक है, डिफेंस सचिव है, ठीक है, अजय कुमार, ये आपका गलत है, ठीक है। अजय कुमार क्या है, तो रक्षा सचिव है, आप इतना याद रखिएगा, ये वाला आपका कैबिनेट सचिव नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। किस 192 पे हम लोग बात करते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2019 में भारत का गौरव पुरस्कार दिया गया, तो ये आपका कपिल देव। एमीसेट, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट किससे लॉन्च किया गया, कौन सा व्हीकल से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का मतलब होता था, किससे लॉन्च किया था, PSLV C-45। और लेसन पहला वीडियो में मैंने आपको करवाया था क्राइटोसाइट, वो किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-47 से, ठीक है। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया, तो ये आपको पता ही है तेजस एक्सप्रेस है, और सुना है कि काफ़ी प्रॉफिट में रहा है, ठीक है, ये अभी इसका जो रिपोर्ट आया है। दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है, स्थापित की गई है, आई थिंक ये स्थापित होगा, ठीक है, आई थिंक पता, आई एम मच अवेयर अबाउट दिस विन, बट मेन चीज़ जो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। हाइपरलूप क्या है, तो कभी डिस्कस करेंगे ऊपर, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। एलोन मार्क्स का दिमाग सबसे पहले इस पर काम किया था, एलोन मार्क्स कौन है, तो टेस्ला के मालिक, ठीक है। अभी ये इतना याद हो, अल्ट्राफास्ट हाइपरलूप परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्तमान में निम्नलिखित राज्यपालों में कौन सुमिलित नहीं, तो जगदीप धनकर, दीप कहाँ चलाओगे, बंगला पे, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रमेश वेश त्रिपुरा, ठीक है। लालजी टंडन बिहार नहीं, ये फागुन जी है, कहाँ, अभी लालजी टंडन नहीं है बिहार के, बिहार के फागुन जी, ठीक है। कलराज मिश्रा राजस्थान, राजस्थान के सही है, तो इसका आंसर जो गलत है वो है आपका सी, बिहार वाला, ठीक है।
आईपीएल 2019 का खिताब मुंबई में, आप ये याद रखना कितने नंबर का इस बार हुआ था। तो इस बार का जो आईपीएल नंबर था वो 12वां नंबर था, ठीक है, 12वां नंबर, आई थिंक यस 12वां नंबर ही था, एक बार चेक कर लीजिएगा। बट आईपीएल 2019 का खिताब मुंबई में किस टीम को हरा कर जीता, तो ये है आपका, किस टीम को हरा कर जीता, तो आपको पता है आईपीएल 2019 मुंबई इंडियंस ने किस, तो आई थिंक यहाँ चेन्नई को, चेन्नई सुपर किंग को हरा के जीत, ये मतलब उसने, उन्होंने जीता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी 197। 198 पे आते हैं, वर्ष 2019 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो मनीषा कुलश्रेष्ठा, इनका जो बुक का नाम था आई थिंक स्वप्न दोष, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर मनीषा कुलश्रेष्ठ और बुक का नाम है स्वप्न दोष। 199, वह देश कौन सा है जिसने जलमग्न होने के, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडोनेशिया था उसने क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया, ठीक है, पहले जकार्ता था, अब उसने जो शिफ्ट कर लिया है वो है आपका, क्या कर लिया है वो, क्या है, कालीमंतान, ठीक है, कौन सा कंट्री, तो इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या आ रहा है कि जकार्ता डूब रहा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने कालीमंतान शिफ्ट कर लिया, कौन सा, तो आपका इंडोनेशिया ने। किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पूर्ण शुरू किया है, ठीक है, तो उजाला क्लिनिक का पूर्ण शुरुआत किसने किया है, तो आप चलो इसको आप मेरे लिए कमेंट करोगे नीचे, ठीक है, कि उजाला क्लिनिक का शुरुआत किसने किया है, तो नीचे आप कमेंट करके बताओगे कि किसने किया है, और नहीं तो आप टाइप मारोगे, आपको मिल जाएगा गूगल में, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं, बट एटलीस्ट आप टाइप मारोगे तो ये आपका ड्रिल हो जाएगा ये दिमाग में क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेक श्योर इतना ज़रूर कीजिएगा कि अगर इतना मेहनत जो मैं मतलब ये काम कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट एप्रिसिएशन के लिए आप इतना करना कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई एम न्यू टू द यूट्यूब, ठीक है, कंटेंट बेस्ट रहेगा, मैं करेक्शन के साथ करवाऊंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, दिस इज द बेस्ट वे टू लाइक स्टडी, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो ये 200 आपका कंप्लीट हो गया है, और डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि कल से 200 आए, ठीक है, तो सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा गाइज, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कैरी दिस 2 स्टार ऑन योर शोल्डर, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरा जी जान झोंक दो अब, ठीक है, यही टाइम है, ठीक है, और नींद अच्छे से लीजिएगा 5 से 6 घंटा, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो सोना भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस दैट आई बेल बटन ताकि आपको हर एक मतलब लेसन मिल पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, जय हिंद।